नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। डायग्राम को देखकर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अननोन एक्स और वाई की। यहाँ एक्सटेरियर एंगल भी दिया हुआ है और इंटीरियर एंगल भी दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी हुई है 50 एक्स एंड वाई, और एक्सटेरियर एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है 120 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस ड्रॉ के अकॉर्डिंग हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई प्लस 120, इसके अपोजिट एंगल है, ये है y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमको पहले, y की। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 किया, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई, 60 डिग्री निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब इसके पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीन है ट्राइंगल में, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। x की वैल्यू, तीन एंगल कौन कौन से हमारे, x प्लस 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, प्लस 50 डिग्री प्लस y की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर ली कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, x की। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 180 से 110 को माइनस किया तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, 70 डिग्री निकल गई। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर टू आप सॉल्व करेंगे, सेम है क्वेश्चन नंबर टू भी। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में दोनों एंगल दिए हुए हैं आपको और आपको एक्सटेरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, ड्रा देखिए थर्ड, ये ड्रा है आपका 50 डिग्री 60 डिग्री और y। हम जानते हैं, वी नो दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 प्लस 60 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 70 डिग्री निकल। अब आपको क्या निकालना है, अननोन x की वैल्यू निकालना है जो कि एक्सटेरियर एंगल है। तो हम ये जानते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटेरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो जो एक्सटेरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 110 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, से क्वेश्चन नंबर फोर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर में वर्टिकली अपोजिट एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है, और तीनों एंगल का सम x प्लस y प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री प्लस x की वैल्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो x की वैल्यू अननोन है, x की वैल्यू अननोन है, पर इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो x की जगह हम क्या रख लेते हैं, 60 डिग्री रख लिया। 60 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय टीपी किया हमने, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 90 डिग्री आ गई। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है x, y और x फिफ्थ नंबर में दिए हुए हैं, और जो y के वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री। तो हम तीनों एंगल का सम कितना होता है, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस x, ये दोनों x में के 2x, y की वैल्यू वर्टिकली अपोजिट की 90 डिग्री, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 90 को लेस कर दें तो 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 90 से 2 को डिवाइड किया 45, जब एक x की डिग्री 45 है तो जो आपका सेकंड वाला x है वो भी 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये। और क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स में ड्रा दिया हुआ है, कहाँ कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई आपकी, बस x y दिया हुआ है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं। तो x के वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, y है, दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो x इज इक्वल टू y।
और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम वर्टिकली अपोजिट एंगल दिए सारे x plus x is equal to 180 डिग्री। 3x is equal to 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, एक x की वैल्यू 60 डिग्री, मतलब उसके जो जितने भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं उनके सबके एंगल सेम हो जाएंगे, सबके एंगल क्या हो जाएंगे आपके 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री।